फर्स्ट फेज में हम लोग यहाँ नहीं है, उसके बाद से बाकी 10 फेजेज में हम लोग यहाँ चुनाव होगा और ब्लॉक वाइज में सूची भी निर्धारित हो गई है। हमने और डीएम साहब ने हम लोगों ने मिलकर एक बैठक भी कर ली है सभी लोगों के साथ और इसकी तैयारी हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है और सभी SDO DSPs BDO CEOs और SHOs को निर्देश दिया गया है कि हम लोग हर पंचायत में मिनिमम 10 लोगों को हम लोग बाउंड डाउन कराएंगे, उनकी कार्यकलाप को देखते हुए किस तरीके से लोग चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। और बाउंड डाउन 107 से अगला स्टेप होता है, सिर्फ 107 से इस चुनाव में कार्य संभव नहीं हो पाता है और हेवी पेनल्टी के रूप में बाउंड डाउन कराएंगे कि अगर कि उनके द्वारा ब्रीच ऑफ पीस किया जाता है तो बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके और उनकी बाउंड की पैसा को जब्त किया जा सके। ये हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है। दूसरा है कि एक अभियान हम लोग चलाएंगे अब खास करके वैसे केसेस जिससे कि चुनावी क्रियाकलाप पर असर पड़ने की संभावना होती है, खास करके वो हत्या होता है, 307 होता है, मार झड़ा केसेस जो होंगे, 300 जिसमें कि आपके गांव में दो पक्षों में मारपीट हो जाती है या SC ST के केस है उन क्षेत्रों में, इसको हमें प्रायोरिटी पर लेके इस सब केसेस को गिरफ्तारी कराएंगे ताकि ऐसी प्रवृत्ति से लोग बचें और इस तरह के मार झड़ा में इन्वॉल्व ना हो अगले एक माह तक। ये बेसिकली ये राइड चलेगा उन्हीं क्षेत्रों में जहाँ पे चुनाव होने वाला है और इसके अलावा हम लोग उन क्षेत्रों में शराबबंदी के खिलाफ अभियान में भी अब तीव्रता लाएंगे, खास करके जो चुलाई वाले शराब की सूचना मिलती है और इंग्लिश शराब का जो स्मगलिंग होता है उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा हम लोग एक रिव्यू तैयार कर रहे हैं और हम लोग प्रत्येक फेज़ के थानों में जाकर एक बैठक होगी सभी BDOs के साथ, CEOs के साथ, SHOs के साथ और इसका रिव्यू होगा कि 24 तारीख से जब से उन लोगों का जब से ये नोटिफिकेशन हुआ है तब से कितने लोगों के ऊपर बाउंड डाउन हो गया, कितना हथियार जमा करा लिया गया, कितना गिरफ्तारी हुआ इन हेड्स में, तो एक ओवरऑल माहौल निर्माण की बात है। और प्रत्येक फेज़ के लिए हम लोग अलग अलग तिथि में जाएंगे, एक बार में मीटिंग नहीं होगी तो अब 10 बार मीटिंग क्षेत्रों में होगी और बेसिकली रिव्यू मीटिंग होगी। जहाँ तक डिप्लॉयमेंट की बात है तो डिप्लॉयमेंट का एक स्टिपुलेटेड गाइडलाइन है, इलेक्शन कमीशन का क्लियर कट मानक है, उसके आधार पर हम लोग सभी बूथ पे बिल्डिंग्स पे डिप्लॉयमेंट करते हैं और इसमें सेंट्रल फोर्सेस नहीं आते हैं, हम लोग को डिस्ट्रिक्ट फोर्स और BMP और होमगार्ड से हम लोग उसका क्रियान्वयन कराते हैं और पर्याप्त मात्रा में हम लोग बल देंगे। पटना जिला का बल पटना जिला में ही रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर 10 फीट में चुनाव है। उसके अतिरिक्त हम लोग जो सेक्टर बनाएंगे इसमें सेक्टर में थाना प्रभारी स्तर के पदाधिकारी रहेंगे, सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है और इसमें कोई सब इंस्पेक्टर नहीं रहेगा, जो सब इंस्पेक्टर रहेगा वो थाना मैन